खरगोन जिले का अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा आज खरगोन जिले में संयुक्त रूप से नजर आया। इस बात का पता उस समय चला जब संगठन समाज तथा कथित व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचा। दरअसल बड़वानी महाविद्यालय के पूर्व सहायक प्राध्यापक और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी ने अपने बायोडाटा में सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों को नकारात्मक अराष्ट्रवादी बता दिया, जिसे लेकर समाज जन सड़कों पर उतरने को मजबूर दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए समाज जन ने उक्त कृत्य के विरोध और उक्त व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही कराने के नाम पर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से रूबरू संगठन में बताया कि समाज का होकर उक्त व्यक्ति ने समाज की भावनाओं को आहत पहुंचाई है, जिसके लिए वह माफी मांगे या उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमने जो आज जो ज्ञापन दिया है वो हमारे सुमर सिंह सोलंकी साहब, जो कि जो आदिवासी जो आप लोग देख रहे हैं कि विगत 70 सालों से देश आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण अंचलों में आप लोग जाके देखोगे तो सबसे दयनीय स्थिति आदिवासियों की है। तो उस आदिवासी समाज के लिए कुछ करने के लिए बहुत सारे संगठन आदिवासी ने मिलकर बनाए हैं। वो सभी संगठन आदिवासी लोगों को उत्थान और उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, कार्यरत है, और उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जयस काम कर रहा है, आदिवासी मुक्ति संगठन कर रहा है, आदिवासी एकता परिषद कर रहा है, बहुत सारे तमाम संगठन हैं। तो वो अपने लोगों को जागरूक करने और जो काम इन 72 सालों से नहीं हुए हैं उन कामों को कराने के लिए और आदिवासी लोगों को और आगे कैसे ले जा सके उसके लिए काम विगत अभी कुछ सालों से 5-6 सालों से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही समाज की ये पीड़ा जो है, इस पीड़ा का आवाज़ को उठाने वाले जो संगठन बने हुए हैं और उसी समाज का आदमी सुमेर सिंह सोलंकी साहब बोलते हैं कि ये अराष्ट्रवादी काम कर रहे हैं। जिस समाज का व्यक्ति है, जिस समाज में पैदा हुआ है, उसी समाज को अराष्ट्रवादी कहना बहुत गलत बात है, जिसका पूरा समाज पूरा संगठन उसका घोर विरोध करता है। क्योंकि हम उस आदमी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी विचारधारा जो है वो आदिवासी समाज का व्यक्ति हो के आदिवासी समाज की नहीं लगती, इसलिए हम उसके लिए उसके खिलाफ में आज हमारा पूरा जो हमारे खरगोन जिले के समस्त संगठन है वो आज यहाँ पर आए हैं और उसका एक उनके विरोध में आज हमने ज्ञापन सौंपा है। विरोध में आपने ज्ञापन दिया, अगर उनका टिकट फाइनल हो जाता है और राज्यसभा जा रहे हैं, जैसे फार्म भर चुके हैं, फिर अगला कदम क्या होगा समाज का? सर अगला कदम यही है कि वो आज तो ठीक है वो जा रहे हैं, बस उनको ये समझना चाहिए कि वो जिस समाज से है उस समाज के विरोध में काम ना करें। जो संगठन आज भी काम कर रहे हैं वो समाज के लिए ही कर रहे हैं, तो वो जिस समाज में उस समाज को कैसे गलत साबित कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग इतिहास भी अगर जानना चाहोगे तो आदिवासियों का इतिहास अगर आप देखोगे तो आदिवासियों का इतना महान इतिहास है कि इस देश को आज़ाद कराने में आदिवासियों की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें आप लोग देखे होंगे टंकिया मामा, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे देखे होंगे, उनका इतिहास जाने होंगे, बिरसा मुंडा जी है, फिर ताना मांझी जी है, अपने राघोजी भांगरे साहब जी है, तो देश है तमाम। अपनी बात पर अगर माफ़ी मांगते हैं तो अगर हम तो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने जो आदिवासी समाज के तमाम संगठनों को अराष्ट्रवादी कहा है, जो बहुत गलत है, और हम ये चाह रहे हैं कि उनकी जो सोच है वो सोच बदले, आदिवासी समाज को समझे और उसके लिए और अच्छे से काम कर सके, और उन्होंने जो गलती करी हो सके अगर उनको अपने अंदर के आत्मा से अगर झकझोर करके देखे तो माफ़ी मांगे समाज से, वो भी एक अच्छी बात हो सकती है। क्योंकि आदिवासी समाज इतना महान है कि ये सब चीज़ें अगर कोई करता है तो अपने समाज के व्यक्ति को अपनाने से कोई बेहर नहीं हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुक्तिलाल मोरे है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।